चलिए वंस अगेन, सो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स। सो कल हमने बताया कि अगर दो वेक्टर्स आपके पास थीटा एंगल पर मेंटेन करके रखते हैं, सपोज दिस वन इज़ एन वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, सो बाय द एडिशन ऑफ द ट्रायंगल फर्स्ट यू शुड टेक द अनदर वेक्टर, मेक द वेक्टर्स एज ए कंसेक्यूटिव टू वन अनदर। सो आपने देखा था आप वेक्टर ए को ऐसे लिखते हो और वेक्टर बी को थोड़ा खिसका के इसके ऊपर लेके आते हो, देन योर एंगल शिफ्ट्स हेयर, तो आपका एंगल यहाँ बन जाता है थीटा। देन दोनों वेक्टर का जो रिजल्ट होता है दैट इज़ द ज्वाइनिंग साइड ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। सो दिस इफ दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, एंड सो दिस इज द रिजल्टेंट दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सो आर वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सो दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ। हियर आर वेक्टर इज द रिजल्ट ऑफ ए एंड बी, आर वेक्टर इज द रिजल्ट ऑफ ए एंड बी। सो या व्हाट कैन एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली, तो मे बी कल आप लोगों ने सीख लिया होगा, नहीं सीखा तो मुझे बता दो। आर रिजल्ट जो मैग्नीट्यूड आता है वो आता है दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वैक्टर्स। आइए इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं और इस पर थोड़ी सी डिटेल में और बात कर लेते हैं क्या क्या इससे हो सकता है। ओके हम क्या क्या इससे कर सकते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर वेक्टर बी है, एंड द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स इज थीटा। सो रिजल्टेंट इसका जो जाएगा वो आपने क्या किया, इसको बी को ए के कंसेक्यूशन में ले गए, ए जहाँ पे टर्मिनेट हुआ वहाँ पे आपने बी स्टार्ट कर दिया और आपने फाइनली रिजल्टेंट निकाला। तो ये जो वेक्टर निकलेगा दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, इन दोनों का जो इफेक्ट मिलेगा दैट इज दिस वेक्टर और उसकी जो डायरेक्शन रहेगी दैट इज दिस एंगल अल्फा। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको करनी है, एक तो आर, सो आर मतलब रिजल्टेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड, यू कैन से सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। सो लिख लो कॉपी में आर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड दिस रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। रिमेंबर कॉस थीटा, थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर है थीटा, थीटा यहाँ पर है थीटा, इधर आओ आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। नाउ अब एंगल अल्फा की बात करते हैं, देखिए एंगल अल्फा, अल्फा क्या है, जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है वो बेस वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है दैट इज कॉल्ड अल्फा। सो अल्फा, अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला लिखिए टेन अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। नोट करिए टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। टेन अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यस सर, यस सर, ओके। सो ये दो फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। सो दर इन इस, सो ये पहला फॉर्मूला है आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये पहला फॉर्मूला है आपको, ओके। एंड दूसरा फार्मूला, ये अंडर रूट लगा करके पहला फार्मूला, एंड दूसरा फार्मूला जो मैंने बताया एंगल यहाँ पे बीटा ले रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अल्फा ले लो बीटा ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो द सेकेंड फार्मूला टेन बीटा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। टेन बीटा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, आप इसे अल्फा भी ले सकते हैं, सो यू कैन टेक दिस एंगल टेन अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। डन गाइज, नाउ सेकेंड पार्ट, नाउ वी हैव अनदर रूल दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज द अनदर टाइप ऑफ वेक्टर एडिशन, दो क्वांटिटीज को हमें ऐड करना है तो इसको हम बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऐड कर सकते हैं। अभी आपने क्या किया था, अभी जस्ट नाउ यू हैव डन कि दो वेक्टर को आप एक साथ कंसेक्यूटिवली लेकर के आए,
बट यहाँ पर आपको रिजल्ट सेम मिलेंगे बट यू डोंट नीड टू मेक देम कंसिक्यूटिव। ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि लाइक वी हैव द वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड दे आर हैविंग विद एंगल थीटा, यस। सो दिस लॉ सेइंग इफ यू हैव अ टू वेक्टर्स एंड द टू वेक्टर्स आर देयर, सो कंप्लीट अ पैरेललोग्राम। तो वेक्टर ए के सामने एक पैरेलल वेक्टर कंस्ट्रक्ट करो एंड वेक्टर बी के सामने भी एक पैरेलल वेक्टर कंस्ट्रक्ट करो। सो इफ दिस इज वेक्टर ए देन ऑल्सो दिस वुड बी वेक्टर ए एंड इफ दिस इज वेक्टर बी देन दिस ऑल्सो वुड बी वेक्टर बी। अंडरस्टूड गाइज? यस सर। इफ दिस इज वेक्टर ए एंड दिस ऑल्सो वुड बी वेक्टर ए एंड दिस इज ऑल्सो वुड बी वेक्टर बी देन द डायगोनल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू वेक्टर विल रिप्रेजेंट यू वॉट, दिस विल बी द रिजल्टेंट यस रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेन आई एम गोइंग टू फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड वी विल हैव द सेम रिजल्ट एज वी हैव गॉट प्रीवियस। सो आर वेक्टर इज मे बी गिवन बाई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सो वॉट वी मे डिफाइन अबाउट द रिजल्टेंट ऑफ द टू वैक्टर बाई द पैरेललोग्राम लॉ, सो वी कैन से दैट द टू वैक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द कंजिक्यूटिव साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम देन द डायगोनल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू वैक्टर विल गिव यू द रिजल्टेंट। ओके ओके दिस डायगोनल द प्राइमरी डायगोनल primary diagonal will give you the resultant, primary diagonal will give you the resultant, okay, and the what will be the angle here, the this is the vector r and the angle is alpha, so the same formula again we have to apply here again, tan alpha is equals to b sin theta upon a plus b cos theta, a plus b cos theta. What is b? This is the magnitude of the second vector, vector b, this one. What is a? This is the magnitude of the first vector, vector a. And what is theta? Theta is the angle between both the vector, vector a and vector b. Here this angle is theta. Okay, and this is the resultant r. And the resultant r is maintaining the angle with the base, that is called alpha. So this is the resultant r and this is the maintaining the angle with vector a, that is called alpha. So finally tan alpha is equals to b sin theta upon a plus b cos theta. Okay. सो हमको मतलब कुल मिला के करना क्या है, दोनों फार्मूलेज बिल्कुल सेम है, बस डेफिनेशन वाइज दोनों अलग अलग हैं। तो आइए एक बार फिर से अच्छे से इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। यस, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, एक बार फिर से थोड़ा सा ट्रायंगल लॉ को भी रिवाइज करा देता हूँ। ओके अक्षत, कैरी ऑन विद द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। इफ टू वेक्टर्स ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ point are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in one order and then their resultant is represented by the third side of the triangle taken in the opposite order. If two vectors a and b acting at a point are inclined at an angle theta, then their resultant r equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta. If the resultant vector r substends an angle beta with a vector a, then tan beta equal to b sin theta upon a plus b cos theta. Okay, so